बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए यूपी की सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी जारी करते समय कहा गया, अगर कोई बाहरी पक्षियों का झुंड पानी पीने के लिए आता है तो उस पर नजर रखी जाए। जलाशयों में पानी पीने के बाद कोई पक्षी मृत पाया जाता है तो फौरन उसको फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेजा जाए। बाहर के राज्यों से आने वाले पक्षियों, खासकर कुक्कुट यानी मुर्गियों को लेकर आने वाली गाड़ियों की जांच की जाए। अगर कोई पक्षी बीमार या मृत पाया जाता है तो उसे प्रदेश की सीमा पर प्रवेश न करने दिया जाए। मुर्गा मंडियों को हफ्ते में एक दिन बंद रखा जाए और उस दिन मंडी की पूरी तरह साफ सफाई की जाए। भारत सरकार की ओर से संक्रमण को लेकर गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन कराया जाए और संक्रमण रोकने के तरीकों को इस्तेमाल किया जाए। सभी जिलाधिकारी ये सुनिश्चित करें कि इनके जिलों में फेस मास्क और पीपीई किट की कमी ना हो, इसका जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाए। सभी जिलों में मुर्गा और उसके उत्पादों के इस्तेमाल के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाए। किसी भी तरह की अफवाह को ना फैलने दिया जाए।